वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल. थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो. और लास्ट व्लॉग के बाद हम शादी में से आए उसके बाद मैंने पिछले 4 दिन में कोई व्लॉग नहीं किया. एकदम इंजॉय चल रहा था और सब दूर घूमना फिरना और सब कुछ. सो नाना जी के घर हम लोग डिनर के लिए गए, फिर ऐसे इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा करे टाइप से. सो बट आज मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा घर में है तो आज व्लॉग थोड़ा किया जाए. इस बार पता नहीं क्यों आई थिंक मैं बहुत दिन बाद आई हूँ और बाहर से आई हूँ शायद, इसलिए सब्जी वाले भैया निकल टमाटर आलू 20 रुपए किलो, टमाटर आलू 20 रुपए किलो. आई रियली मिस दिस सॉन्ग. सो बहुत दिन बाद आई हूँ मैं शायद इसलिए या जो भी, बट व्लॉग बनाने के लिए ना एक मतलब जो कहते हैं रिदम ही नहीं पकड़ रहा व्लॉग, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं दिन भर और फिर कैमरा लेके घूमना तो ऐसा मुश्किल हो जा रहा है. लेकिन आज मैंने सोचा व्लॉग करते. तो अभी मैं बैठी हूँ अपनी एकदम फेवरेट जगह और अपने फेवरेट वाले झूले पे. सो पापा क्या हूँ मैं ऑफकोर्स, और यहाँ जो है ये सारे मम्मी पापा के प्लांट्स हैं. जब मैंने लास्ट टू लास्ट यानी 2018 वाले दिसंबर में व्लॉग बनाया था यहाँ घर का, तब भी ये सारे प्लांट्स थे. तो अब इसमें बहुत सारे चेंज हो गए, लेकिन हाँ ये है कि ये जो पूरी फुलवारी है ना ये उतनी खूबसूरत लग रही है अभी भी. तो हम लोग अभी नहाए करें कुछ नहीं है. और आज का जो मेन्यू है वो हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का मेन्यू है, क्योंकि आज मम्मी को मैंने बोला कि हमें साबूदाने की खिचड़ी खानी है और पालक के कटलेट खाना है, तो मम्मी वो बना रही है. और आदिश और अपूर्वा जो है खतरनाक वाली मस्ती कर रहे हैं सुबह उठे हैं तब से. सो ठीक है, आज के दिन को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज की बस आज के दिन को ही शुरू करते हैं आई थिंक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मुंडा पिछले 15 दिन में आदिशी की जो हिंदी है वो काफी अच्छी हो गई है, हेड को मुंडा बोलने लग गई है. ओके सो हम हो गए रेडी. आदिशी ने पेपा पिग वाला क्या पहन लिया है, टी शर्ट. यहाँ पे ये है आदिशी की साबुदाने की खिचड़ी और आदिशी के कटलेट, और यहाँ है हमारी साबुदाने की खिचड़ी कटलेट, और ये मौसी की और ये मम्मा की. ओके सो करते हैं लंच. आदिशी कौन आ गया, नानू आ गए, नानू आ गए. आदिशी आप हैप्पी हो गए? बहुत खुश हो गई यार मेरी बेटी. मैं आया ना तो इतनी मेरी प्यारी बेटी मेरे से मस्ती कर रही है. देख मैंने अभी बोला कि मेरे से उसने प्रश्न पूछा कि नानू हाँ. आपकी गाड़ी क्यों नहीं ले गया हाँ. तो मैंने कहा कि वन डे माई व्हीकल हाँ. वन डे नानू व्हीकल अदर व्हीकल नो समटाइम्स वन डे यू एंड और क्या क्या बोल रही है दोनों मेरे को पूरा भाषा में बोल दिया. मैंने जो उज्जड़ भाषा में बोला ना. आदिशी आप नानू को इंग्लिश सिखा दोगे क्या? हाँ यू टीच हिम या ओके यप यप बोलना चाहिए ना. यप यानी यस. यस यस यप बोलते क्या? क्या पता यहाँ भी बोलते हो तो पर वो जरूर जरूर. यहाँ पे बन रहे अनार से, यहाँ मम्मी ने उसका आटा पूरा किया हुआ है. मम्मी यहाँ बकायदा ऊपर स्टैंड पे बैठी हुई है और ये रहे अनार से. अगर आप में से कुछ लोग हों जो अनार से के बारे में नहीं जानते हैं, तो अनार से जो होते हैं वो चावल से बनते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बनाते नहीं आते. मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ बट मम्मी जैसे नहीं बनते, लेकिन हमारे यहाँ नानी जी मम्मी मौसी सब लोग ये बनाते हैं.
सो बेसिकली चावल को गला के और फिर उसके बाद उसे पीसा जाता है दो दिन तक ना, दो हाँ दो दिन तक गला के तीसरे दिन उसे पीसा जाता है और पीसे के बाद उसके अंदर शक्कर मिलाई जाती है और शक्कर मिलाने के बाद में उसके ऐसे लड्डू बना के रख दिए जाते हैं। और फिर जब भी आपको अनार से बनाना है तो इस तरह से आटा लेते और उसमें दूध डालकर उसका आटा मसते हैं, ये इस तरह का होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जैसे हमारा मावा कैसा दिखता है ना उस टाइप का। और फिर इसके ऊपर ये जो हमारी पॉपी सीड्स होती है यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं खसखस, सो जो खसखस होती है वो लगा के बनाया जाके, मैं अभी मम्मी बनाएगी तो थोड़ा सा एक स्लो मोशन में लूंगी तो पता चल जाएगा। और अगली बार हुआ ना तो दिवाली पे मैं भी ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं आई हुई हूँ इसलिए अभी चाकोली और अनार से सब कुछ फिर से दिवाली वाले उस पर बन रहे हैं। और ये पापा खाते हुए गरम गरम अनार से, सो मेरे अनार से भी ठंडे हो रहे हैं, मैं एक बार स्लो मोशन में लेती हूँ इसे फिर मैं भी खाती हूँ। कर रही हूँ यहाँ पे एडिटिंग और अदिशे स्विंग कर रही है। सो मैं अभी एडिट कर रही हूँ वो वाला वीडियो जो कि नेदरलैंड टू इंडिया वाला वीडियो है। सो अभी मैं वहीं हूँ, उसके बाद के बहुत सारे व्लॉग हैं बट आई थिंक जब आप ये वाला व्लॉग देखेंगे तब तक आप वो सारे देख चुके होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल में ये वाला लास्ट होगा व्लॉग। तो ठीक है मैं एडिटिंग करती हूँ। आज मैं और अपूर्वा मार्केट जाने वाले हैं बट हम अदिशे को लेके जाएंगे कि नहीं अभी इसका कोई प्लान नहीं बना है, तो लेट्स सी अगर लंच टाइम पे हो गया तो हम उसको भी ले जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद, छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं और फिर अपूर्वा कल चली जाएगी तो वो आज ही करने। हेलो हेलो अदिशे, हेलो अदिशे मजे कर रही है ना? और अभी अदिशे मार्केट से क्या लेके आई थी? कैंडी। कैंडी लेकर आई थी। अदिशे को बहुत मजे आ रहे हैं, को जो भी चीज का मना करो कोई ना कोई और हाँ बोल देता है और अदिशे को चीजें मिल जाती है ना। हाँ। और अदिशे एक और चीज क्या लाई अभी? चूड़ी। चूड़ी। सो अदिशे की चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई थी जो मेरे पास थी, इवन अब आना भी बंद हो गई थी। सो अभी हम लोग गए थे थोड़ा सा पूर्वा के काम से तो हमने सोचा कि अदिशे के लिए ये ले लेते हैं। और अभी अपन कहाँ जाने वाले? अपन अभी कहाँ जाने वाले? पता नहीं, छोटी नानी के घर। छोटी नानी के घर जाने वाले हैं। सो अभी हम लोग मौसी के घर जाने वाले हैं, मतलब एक मौसी जिनकी शादी थी और ये उनसे जुड़ वाली मौसी। तो आज हमारा डिनर है वहाँ, हम जब से आए कहीं ना कहीं रोज डिनर रहता है, हम बहुत सारे लोगों को मना कर चुके हैं बट जो बहुत ही ज़्यादा मौसी मामा है सो उनको मना बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अदिशे मैं भी नया फेस पाउडर लाई हूँ तो फेस पाउडर लगा रही है। सो ठीक है अब हम लोग रेडी होते हैं वापस, हम तो बार बार तैयारी होते रहते हैं बार बार, हमको और कहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना रहता है। नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए।
छोटी रानी के घर से वापस, मौसी के घर से हम वापस आ गए। अदिशी ने वहाँ क्या खाया? क्या खाया? पता नहीं। इडली। इडली। इडली खाई ना अदिशी ने? और टिक्की में पाई। टिक्की भी लगी तो अदिशी को, टिक्की लगी तो अदिशी क्या बन गई? गणपति। गणपति बन गई। मौसी ने जैसे ही अदिशी को टिक्की लगाई तो अदिशी ने बोला कि अदिशी गणपति बन गई है। उनकी गणपति जो है ना उनके पास भी टिक्की वेयर करते हैं वो भी टिक्की वेयर करते हैं ना। हाँ और आज अदिशी की मौसी भी चली गई। कहाँ गई मौसी बेटा? मौसी कहाँ गई? पुणे। पुणे चली गई ना? जा रही है। जा रही है, अभी गई नहीं है, कल सुबह निकलेगी। बट यहाँ से चली गई है, वो उसके इन लॉज के वहाँ चली गई है। सो आज अदिशी और मैं आप थोड़े से लोनली हो गए ना, अलोन। सो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर ये व्लॉग पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ इंडिया वाले सारे व्लॉग की लिंक आपको यहाँ आई बटन पे, यहाँ पे अदिशी के सिर पे दिख रही होगी तो उसे क्लिक करके बाकी के व्लॉग भी आप देख सकते हैं अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।